महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी, कांग्रेस के सीनियर लीडर। इमरान जी, बड़ा इंतजार था, महाविकास अघाड़ी बना महायुति, कैसा रहने वाला है ये चुनाव? देखिए, महाराष्ट्र में तो लोकतंत्र को लूट करके महायुति बनी। सारे हथकंडे, सारे तिकड़म, दलों को तोड़ा गया, विधायकों को तोड़ा गया, चुनाव निशान छीने गए, उसके बावजूद एक सरकार बनी। लेकिन वो सरकार लोकसभा में कितनी बुरी तरह से विफल रही वो देश ने देखा है। और अब हम जिन तारीखों का इंतजार कर रहे थे, पूरा सरकार को मौका दिया गया कि चुनावी घोषणाएं कर सके सरकार, और फिर अंततोगत्वा चुनाव का ऐलान हुआ। महाराष्ट्र तैयार है, मुंबई तैयार है, और आप देखिएगा कि महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव से बेहतर नतीजों के साथ विधानसभा में आएगी और सरकार बनाएगी महाराष्ट्र में। हरियाणा के जो नतीजे रहे वो निश्चित तौर पर निराशाजनक रहे, और बहुत सारे सवाल जो हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर भी था, बहुत सारी चीजों को लेकर था, निष्पक्ष चुनाव को लेकर था। एक बड़ी लड़ाई है, क्योंकि चाहे एनसीपी हो चाहे शिवसेना, दोनों की ही पार्टियां तोड़ी गई और दोनों के मामले जो है वो सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तक भी पहुंचे। ऐसी परिस्थितियों में कितना ज्यादा जो सामने प्रतिद्वंदी हैं वो ज्यादा चुनौतियां हैं? दूसरा ये कि कानून व्यवस्था की जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कांग्रेस मुख्यालय में, आसान रहेगा क्या ये चुनाव? क्योंकि चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। देखिए, बहुत विरोधाभास है महाराष्ट्र को लेकर के चुनाव आयोग की नीतियों में। आप लोकसभा के पूर्व से आप देखेंगे तो बहुत विरोधाभास पाएंगे। जिस तरह से दलों को तोड़ा गया, उनके चुनाव निशान लिए गए, आज तक उन पे सही से फैसले नहीं आए, तो संशय तो होता है लोगों को, विरोधाभास तो दिखता है। लोकसभा में 5 चरण में आपने महाराष्ट्र में चुनाव कराया और विधानसभा आप 1 चरण में करा रहे हैं, तो विरोधाभास ये भी बहुत बड़ा है। ईवीएम को लेकर के, मतगणना को लेकर, बैटरी चार्ज को लेकर के जिस तरह की शंकाएं और जिस तरह की बातें लोगों के सामने आई देश में, विश्वसनीयता में फर्क पड़ता है। तो सरकारें आए जाएंगी, अधिकारी आएंगे जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र तो बचा रहेगा ना, चुनाव आयोग नाम की संस्था तो बची रहेगी ना, तो उस विश्वसनीयता को बरकरार रखना। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज चुनाव का ऐलान हो रहा है, 2 दिन पहले इतनी बड़ी हत्या हुई है और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई देखरेख नहीं। जो स्टेट चुनावी मोड में हो, पूरी तरह से विफल रही है महायुति की सरकार। बदलापुर से बांद्रा तक कानून व्यवस्था रसातल में चली गई है। लेकिन अंततोगत्वा महाराष्ट्र की जनता बहुत जागरूक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है वो, वीर शिवाजी महाराज की धरती है वो कभी तानाशाही बर्दाश्त नहीं करती। और अगर कोई ये सोचे कि दिल्ली में कमान रख करके रिमोट से सरकार चलाई जाएगी तो महाराष्ट्र इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, वो बदला लेगा, वो उठ खड़ा हुआ है। और आप देखिएगा कि लोकसभा में जिस तरह उसने पटखनी दी मौजूदा सरकार की तमाम तिकड़मों को, विधानसभा में भी वही परिणाम आएगा, उससे बेहतर परिणाम आएगा। बस आखिरी में एक सवाल, चूंकि मुद्दे बहुत बनते हैं चुनाव में, महाराष्ट्र मुंबई से लेकर और आपके मराठवाड़ा तक बहुत ही विभिन्नता वाला क्षेत्र है, किसानों की आत्महत्या को जाने वाला क्षेत्र है, सांप्रदायिकता को लेकर, बुलडोजर न्याय को लेकर, हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके से बीजेपी बहुत ज्यादा आक्रामक रहती है, क्या महाराष्ट्र उस चुनाव का जवाब होगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्य साथ तो आए, लेकिन उस तरह की परिणति हरियाणा चुनाव में ना दिखने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों में उस तरह की निराशा जो है, जो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का साथ देते थे, उनमें नजर आई है। देखिए, महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, इंटैक्ट है, और लगभग हमारा सीट शेयरिंग पे भी, लगभग हमारी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका है, अधिकांश सीटों पर सहमति बन चुकी है। तो भाजपा के, देखिए, भाजपा मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है। भाजपा मैं प्रधानमंत्री से शुरू करके उनके सारे चुनावी प्रचारकों के भाषण क्या होते हैं वो देश देखता है। हम कल भी मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे और महाराष्ट्र में भी मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। हमने लोकसभा में भी मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के लिए हमने चुनाव लड़ा, लोकतंत्र के लिए चुनाव लड़ा, और तमाम जो भाजपा की प्रयोगशाला वाली जो प्रयोगात्मक चीजें हैं वो महाराष्ट्र में हमेशा से विफल रही हैं और इस बार भी विफल होंगी, क्योंकि वो धरती आंदोलन की धरती है, वो बहुत विविधता वाली धरती है, और किसान बहुत बड़ा मुद्दा है वहां के लिए, नौजवानों का रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है वहां के लिए, कानून व्यवस्था इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, बच्चियों की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। बदलापुर हो, पुणे गैंगरेप हो, पूरा महाराष्ट्र दहला हुआ है उससे। जो महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी है, जो सबसे सुरक्षित मुंबई मानी जाती है, वहां दिन दहाड़े जिस तरह से मर्डर हो रहे हैं, ये मौजूदा महायुति सरकार की इससे बड़ी विफलता क्या हो सकती है? देवेंद्र फडणवीस जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था अब तक।
लेकिन भाजपा की सरकारों में कुछ भी हो जाए इस्तीफे नहीं होते, ट्रेन दुर्घटनाएं होती रहीं, रेल मंत्री रील बनाते रहेंगे, बाकी मंत्री भी ऐसा ही करते रहेंगे, वहां इस्तीफे तो होते, नैतिकता नाम की चीज नहीं है भाजपा के नेताओं में। आखिरी में एक सवाल, सीएम चेहरे को लेकर क्या कश्मकश कोई है, सीटों को बंटवारों को लेकर कोई कश्मकश? नहीं, हमारे यहाँ कोई कश्मकश नहीं, हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि महायुति किसको अपना सीएम चेहरा बनाती है। आज से शिंदे जी तो पूर्व हो गए, अब पूर्व हमेशा के लिए पूर्व हो गए, अगर उन्हें ये मुगालता होगा कि भाजपा उन्हें चेहरा बना रही है तो हम सब भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें चेहरा बनाए, भाजपा आए शिंदे जी के नाम पे चुनाव लड़े, अजीत पवार जी को अपने सीट शेयरिंग फार्मूले में सहमत करे, तो दिक्कत उनके यहां है, हमारे यहां कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं, हमें पता है कौन हमारा सीएम होगा, हमें पता है हमें कितनी सीटों पर लड़ना है, हमारे यहां कोई असहमति नहीं, क्योंकि हमारे सारे सहयोगी दलों का एकमात्र मकसद है महाराष्ट्र को आगे ले जाना, मुंबई को सुरक्षित रखना, महाराष्ट्र को सुरक्षित रखना, लोकतंत्र और संविधान बचाना, हमारे मुद्दे क्लियर हैं, राहुल गांधी जी का क्लियर संदेशा है, और भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोनों में जिस तरह से महाराष्ट्र ने अभूतपूर्व सहयोग किया राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी को एक विशेष प्यार भी है महाराष्ट्र से, और मैं हम सारे लोग वहां डेरा जमाएंगे, मेरी खुशनसीबी है कि मैं वहां का प्रतिनिधित्व करता हूं राज्यसभा में, महाराष्ट्र जैसे गौरवशाली राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं महाराष्ट्र के लिए लगातार मुद्दों पर संसद में भी बोलता रहा हूं, और हमारी सरकार बनेगी वहां तो हम और विकास को गति दे पाएंगे। हम सब अपना अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, पार्टी जो काम सौंपती है मैं एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह वो काम करता हूं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, प्रचारक तो पार्टी घोषित कर देती है वो अलग बात है। धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर दावे अपनी अपनी जीत के, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी का साफ साफ कहना है कि महायुति में जिस तरीके से सीटों के बंटवारे और सीएम चेहरे को लेकर घमासान है, वैसा कांग्रेस या महाविकास अघाड़ी को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो सचिन साहू के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।